लगन विच खड़ोता है सदबुद्धि कही ते बारो सदबुद्ध न होनी मतलब ये नहीं कि अंदर भी कोई नहीं। अंदर कोई सदबुद्ध हुंदी है किते लगदा है मन किते टिकिया हुंदा है ता बारो सदबुद्ध पुलदी है। आ दुनियावी बंदा किसे गल विच बैठा होवे बार भी खबरी नहीं हुंदी। कोई मित्र कोल खड़ो के आखद है किस ख्याल विच बैठा मैं कितनी आवाजा मारिया वो सुता तो नहीं पिया आखदा भी मैं किसी ख्याल विच बैठा सा। तो कोई ख्याल होया ना जिसने सारे ख्याल बुला दिते। सहवाग दिन सबे गल्ला विसरन इक्का विसर न जाओ सारे जान एक ना विसरे केड़ी नाम जपन तो दुरु ध्यान में खड़ोता है इंद्र का सिंघासन तपस्या कर रहा है कि ते मेरा सिंघासन क्योंकि लड़के ये सिंघासन नहीं लिया जाता। यह सिंघासन मिलता है तपस्या वाले जिन्होंने तपस्या की होंगी क्योंकि तपस्या वाले का मन जिस वे एकागर होता है तो जिस चीज का उस वे ध्यान कर ले उस प्राप्त हो जाती है। साहब आखिर तो प्राप्त होई इतनी मन लाए कि मेरे सिंघासन से मन ना ला ले इसकी तपस्या भंग कर जाओ नाच करो नचदियां फिरियां ध्रुव ने अख नहीं खोली। देवते भेजे जाओ इसनू डराओ कोई सप बन के कोई शेर बन के बड़े भयानक रूप धार के डरा रहे हैं पर ध्रुव नहीं डरता नहीं डरे उसको पता ही नहीं बाहर की कुछ हो रहा है वो ऐसा टिकिया बस टिकिया हो ता इंद्र कंबिया हुण ते मैं नहीं बचना ध्रुव दे पैरां ते जा चठा महाराज मेरी रखिया करो भगवान
कह लगे किस तो डरे हैं। अखे इकबालक बड़ी तपस्या कर रही कि मेरा सिंहासन ना ले जाए। हंस के बोले भगवान विष्णु, ओ इंद्र राजा तू मत डर, तेरे सिंहासन की उस परवाह नहीं। वो तपस्या तेरे सिंहासन वास्ते नहीं कर रहा, वो तो मेरे दर्शन वास्ते कर रहा। ते मैं चलिया, भगवान उठे ते सामने आने खड़ोते, आवाज दी ध्रुव बेटा अखां खोल, ध्रुव पुत्र अखां खोल, जेड़ी इच्छा मन विच लई बैठा आज तेरी पूरी होने लगी है। जिस मूर्त दा ध्यान, मूर्त नहीं सूरत बन के तेरे सामने खड़ी है। भगवान दी आवाज दूर अंदर तक जा पहुंची, ध्रुव ने अनुभव किया कोई कुछ कह रहा है। की आख रहा है जरा ध्यान नाल सुनिया। बाहर खड़ोते भगवान कह रहे सन, ध्रुव मैं भगवान विष्णु तेरे अगे खड़ोता हूं, जिदे दीदार की इच्छा करके खड़ोता। एक बार अखा तक खोलन वेखता सही, ध्रुव की आखद है मैं जानना भजन में कई उपाधियां होंदिया ने, तू भी कोई उपाधि होवेगा के केडी लगन है। एक बारी आखिया, दूजी बारी आखिया, ध्रुव ने अख नहीं खोली, जवाब दे दिता नहीं कोई उपाधि होवेगा। भगवान बाहर ना खड़ोते रहे, जिथे अंदर ध्रुव ते अंत काई बैठा सी उथे प्रतख हो। आने पुत्र बाहर तो खोल के वेख, सो अंतर सो बाहर अनंतर, जो तेरे अंदरों मैं बोल रहा मैं बाहर भी कही। हूं ध्रुव ने अखा खोलिया, जा दर्शन किते निहाल हो गया, चरना से जय पिया। कहन लगे उठ बेटा, मंग की मंगना है? ध्रुव ने आखिया अटल पदवी, क्योंकि मन में इच्छा की थी ये भगवान कृपा करन तो सब कोई तो टलन वाला है, ते मैं ओ था मंगनी है जिड़ी न टले। अटल पदवी मंग ले। भगवान ने आख्या बहुत अच्छा ध्रुव, अटल पदवी तैनू दित्ती। झट बाद ख्याल आया, कहंदे भगवान मैनू ये दसो भई ये अटल पदवी की है, तू कौन है मैं कौन हाँ। बड़ा जब संसार से ध्रुव ने आखिया तू कौन है देन वाला, मैं कौन हाँ मंगन वाला, ये अटल पदवी की है। भगवान ने आखिया ध्रुव मैनू अधिकार नहीं तेरे इस संशय नू हल करने का, क्योंकि तेरा संसार त्रिगुण अतीत है, मैं त्रिगुण सपुन हाँ। मैं जरदा हाँ ये संसार तिना गुणा तो बाहर दा है, इस वास्ते तैनू इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। तू फिर रोने लग पिया, मैं उन्हें ये जवाब किदे कोल लवा, कौन मेरा संसार हल करे। तो भगवान ने आखिया बेटा रो नहीं, तेरा ये संसार हल करेगा दत्तात्रेय, तैनू उस महापुरुष का मिलाप होएगा, ओ तैनू दसेगा अटल पदवी की है, मैं कौन हाँ ते तू कौन है। क्योंकि ध्रुव नू जापिया अटल पदवी मंग के भी मैं भगवान विच अभेद नहीं होया, लीन नहीं होया, वखरा बैठा। ना वखरे मां क्यों, मैं ता वड़ी शै मंगी सी, हुणे कौन निर्णय करे भी ये शै जिहड़ी मैं मंगी है कितनी क वड़ी है, कोई इस तों भी वड़ी चीज है। इस वेले दत्तात्रेय मिले ते उन्होंने ध्रुव नू समझाया कि ध्रुव तू कुछ नहीं मंगिया, ध्रुव तू कंगला ही रह गया, तपस्या बड़ी कीती पर जो कुछ मंगया तेरा मकसद हल ना होया, तू आपू तो अटल पदवी वड़ी शह जान के मंगी पर नहीं ध्रुव तू कुछ नहीं मंगया, तू अजे भी जुदा बैठा है, तू विच लीन नहीं होया, तू इंज नहीं होया जिवें नानक लीन भयो गोविंद संग ज्यो पानी संग पानी। उस वेले ध्रुव रुना हाय मैं कुछ ना मंगिया, केडी तपस्या कीती भगवान नू प्रतख कर लिया, पर मंगण वेले मेरी मत ते की पर्दा पै गया जो मैं अटल पदवी मंग बैठा। भाई साहब आखदे होए निमाणा भगत कर गुरमुख ध्रुव हर दर्शन पाया, भगवान दा विष्णु दा दर्शन पाया।
होए निमाना भगत कर गुरमुख ध्रुव हर दर्शन पाया। भगत वशल हुए पेटिया मान निमाने आप गवाया। मात लोक विच मुक्त कर नेचल वास आकाश चढ़ाया। सारे तारे पौंदे हन ध्रुव दा तारा उठे ही रहिंदा। ये वाचक है इस गल का कि अटल पदवी की है ना टलन वाली थां कि मैं उठे बैठाओ जेड़ी थां पवे नहीं जेड़ी टले नहीं। चंद सूरज 33 करोड़ पर दखना चौफेर फिराया। सूरज ते चंद्रमा 33 करोड़ ए तारा मंडल ए सारा ध्रुव दे दुआले घूमदा है ते ध्रुव अटल बैठा। ध्रुव अटल अज हूने टरे। चंद सूरज 33 करोड़ पर दखना चौफेर फिराया। वेद पुराण वखान दे प्रगट कर प्रताप जनाया। पर ध्रुव अजे भी वखरा बैठा निरंकार दे आसन दे बैठा है सामने। दूरों दर्शन कर सकता है नाल नहीं आ सकता। जिस वेले दूर बैठा ध्रुव रोंदा है ते फिर पछतांदा है आए मैं अटल पदवी क्यों मंगी मैं तो जुदाई मंग ले। आपू तो ध्रुव ने बड़ी शाल मारी कि मैं वो था मंगा जड़ी अज ताई किसे नू नहीं मिली ते सचमुच नहीं भी ओही था। पर ए ना जाने है कि इस तो वड़ी भी कोई था है ओ केड़ी कि उस दे विच लीन होना। लीन ताई हो सकता है जे विच कोई होर ना हो ना सज्जे ना खब्बे ना अगे ना पिछे जिथे इको ही एक है। इसे वास्ते साध संगत धन गुरु नानक पातशाह ने जिस वेले बाणी उचारण की सब तो पहला उस एक नू अरा दी। पाठ आरंभ होंगे की पर दे एक अगो ओम का ये सारा तारा अगो एक ये सारी कायनात का मालिक कौन है एक। उस एक दी उपासना करने वाला उसके नाल अभेद हो जाता है और उसका रूप हो जाता है। साचुर बोलो श्री बाकी कोई जिसकी उपासना कर लवे जिदा कोई ज्ञान कर लवे। ये मां सारा दिन पुत्र दे ध्यान विच बैठी है तो सुपने विच बरड़ा के भी पुत्र नु आवाजा मारे। पर जे कोई भगत रब दा प्यारा राम नाम जपदा माना फेरदा सौ गया तो सुपने ही बरड़ाए के जे मुख निकसे राम। ओदे मुंह जदों आवाज आवेगी तो राम दी आवेगी क्योंकि जिस ध्यान विच कोई लग गया है उस दे ध्यान विच उसका निवास हो जाता है। तो कबीर जी आख दिन राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपो हर जैसे। इतना समा नहीं कुछ और भी आखा। वाहिगुरु जी का खालसा।